नहीं नहीं बेटा, माँ माँ ऐसी थोड़ी है, माँ तो नौकरानी है ना, दिन भर माँ काम करती रहेगी, खटती रहेगी घर में, तुम आराम से बैठना ठीक है, वहां पे बैठ के ऑर्डर देते रहो, मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ये ला दो, पानी ला दो, मम्मी सब ला के देगी, जूस बना दू आपके लिए। हाँ सर, नहीं कुत्ते पालने की क्या जरूरत है, तुम दोनों को पाल रखा है काफी नहीं है, एक घर में कितने कुत्ते रहेंगे। तुझे बोलते तू या कुत्ती, तू कुत्ता है, खुद की साफ सफाई होती नहीं है, कुत्ते बिल्ली की साफ सफाई करेंगे, वो भी हम ही करेंगे, सब हम ही करें, इस घर में नौकरानी है। नहीं जितना फोन में ध्यान लगता है उतना पढ़ाई में लगा लो। अरे मैंने अभी जस्ट फोन उठाया यार, और आप अभी फोन उठाया आप आ गए यार, घर का एक काम बोल दो ना, तुरंत पढ़ाई याद आएगी, और जब पढ़ना चाहिए तो फोन में घुसी है। नहीं ठीक है बेटा, देखो हमारा काम था तुमको पाल पोस के बड़ा करना, हमने कर दिया, हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारी जिंदगी है, तुमको जैसे जीना है जियो, अब हम क्या ही बोले उसमें, वैसे भी माँ बाप की कौन सुनता है आजकल, बड़े हो गए हो तुम सब, अपने मर्जी के मालिक हो। कितना इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी, एक ट्रिप पे जाने के लिए। चुप बदतमीज, हमारे साथ ही इतना जबान लड़ाती है, इतनी जबान लड़ाओगे ना तुम ससुराल में, सास लात मार के निकाल देंगे ससुराल से पहले ही दिन, मुझे लात मारेंगे तो मैं भी लात मारूंगी, और निकाल देंगे बाहर तो फिर मैं सीधे यहीं आ जाऊंगी, समझा समझा के थक गए। नहीं ठीक है मैं ही जाके नीचे सामान लेके आती हूँ, तुम लोग थक गए हो ना, तुम लोग आराम करो राजा महाराजाओं की तरह, ठीक है मैं ही जाके सामान भी ले आती हूँ, मैं आके घर का भी काम करूँ सामने। अरे जाना, हम बुला लेते हैं, तू जाना इतना बड़ा, दिन भर बस खाना बनाते रहो, लोग ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, होटल समझ रखा है, घर है जो बनेगा वो खाना पड़ेगा, और नहीं इतना ही तुम लोगों का ना, तो खुद चलो अपना बनाओ, आज से तुम अपना अपना खाना बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगी। भगवान न जाने कौन से मुहूर्त में पैदा हुई थी ये, कौन से भगवान नाराज थे हमसे जो ये हुई, हमारी गलती हुई, हमसे कुछ पाप हुआ, इतनी प्रॉब्लम है आपको मुझसे, तो पैदा होते ऑर्फनेज में छोड़ देना चाहिए था ना, बिल्कुल अपने बाप के परिवार पे पड़ी है, एक पैसे की तमीज नहीं है, किसी के इमोशन को समझना ही नहीं है इन लोगों को, हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है। पापा मम्मी देखो क्या बोल रही है, पापा रूट फन। बस आखिरी बार तुम लोगों को किसी के घर लेके आए हैं, किसी के घर नहीं लेके जाएंगे तो मम्मी इसको नहीं लेके आएंगे, अरे इंसान के बच्चे हो ना तो इंसान की तरह रहो, छछुंदर वाली हरकतें नहीं, नहीं वो कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, वो उतना ही खा लेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में दोनों। तू छोड़ पहले, एक काम करो डंडा लो सर फोड़ दो एक दूसरे का, मार डालो एक दूसरे को, काम खत्म, रोज रोज की परेशानी, ये भिखारी। फोन पे वीडियो बनाने से पूरी जिंदगी चल जाएगी बेटा तुम्हारी। हाँ मम्मी कुछ भी, गाइस प्लीज बताओ चल रही है लाइव वीडियो बना के, प्लीज सब्सक्राइब कर। चुप बदतमीज, काम की ना काज की, ढाई मना ना आज की, कुछ एक काम नहीं आता है, बस बैठ के खाने आता है, भूखा मार देना सबको ससुराल में, वो तो बोल देंगे माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं है। बेटा माँ बाप दुश्मन नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा अच्छा सोचते हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो, तभी तो बोल रहे हैं ना, किसी और के बच्चे को जाके बोलेंगे, अपने बच्चे को नहीं समझाएंगे। कितना इमोशनल ब्लैकमेल मम्मी, इतनी तंग आ गई हूं मैं, अरे भगवान अकल बांट रहे थे तो कहां गए थे तुम लोग, एक पैसे की अक्कल नहीं है दोनों में, एकदम नालायक है बेवकूफ, जिंदगी भर ऐसे ही रह जाना बेटा बेवकूफ बन के। कितनी क्यूट हो आप, हैं ऐसे चिल्लाती रहा करो, बड़ी प्यारी लगती हो, तुम ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैंने तुमको जन्म दिया है ठीक है, 9 महीने में हम तुमको पेट में रखे थे, बढ़िया है मेरी माँ बन रही है, मुझे सिखा रही है, ही घसा बेटा 9 महीने वाला, ये बाल ऐसे धूप में सफेद नहीं हुए। थैंक यू मम्मी, फिर तुम मारे ऐसे मुंह ठीक हो जाएगा ठीक, जब मैं मर जाऊंगी ना तब पता चल, तब याद करना मम्मी। मम्मी आई एम टायर्ड यार, नहीं तुम लोग पेइंग गेस्ट हो क्या, आते
आते हो, खाते हो, रूम में जाते हो, सो जाते हो। क्या यार घर में आए ना, सुना मचा। घर का काम कौन करेगा तुम्हारा बाप? जो काम करो पहले। I'm so tired, mom. चप्पल फेंक के मारेंगे, इस बूट ठीक हो जाएगा। टायर्ड। कितने गंदे हो तुम लोग, ऐसे कैसे इतने गंदे हो? हाँ, एक कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है जब बैठता है तो। कुत्ते से भी गए गुजरे हो तुम लोग। इंसान रहते हैं यहाँ पे? करना साफ। मिस का बैग है। ये फोन की वजह से जिंदगी खराब हो जाएगी तुम्हारी। नहीं मम्मी, चिल्ला रही है डांट। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ बेटा। टाइम है, टाइम वहां से निकल जाएगा ना। तमीज मुंह बना रही है। वो कर रही है तो वो जो करेगी वो तुम करोगी। हाँ नहीं नहीं, वो कुएं में जाके कूदेगी तो तुम भी पीछे पीछे जाके कुएं में कूद जाना बेटा, ठीक है? मर जाना उसी के पीछे। पर वो कुएं में क्यों कूदेगी मम्मी, क्यों कुएं में कूदेगी वो? चुप बदतमीज। बड़ी बेस्ट फ्रेंड बन रही है BFF। चप्पल फेंक के मारेंगे, मुंह सीधा हो जाएगा। फिर गोबर में ना इसी चप्पल को डुबा डुबा के मारेंगे, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बदतमीज नालायक। छी गोबर। चुप, बिल्कुल आवाज दे। कब बदतमीज नालायक, कैसे कैंची की तरह जबान चला रही है? बस घर में गुंडागर्दी करते हैं ये लोग, बाहर तो मुंह से चू तक नहीं निकलती। तब ये शेर बाहर जाके भिगी बिल्ली बन जाता है। बस घर में माँ के सामने मुंह खोल के बदतमीजी करेंगे, जबान लड़ाएंगे ये नालायक। थैंक यू। तुम्हारी उम्र की थी ना मैं, घर का पूरा काम करती थी तब से, पढ़ाई लिखाई, घर का काम, सबका ध्यान देना, सब A to Z सारा काम आता। नानी ने तो कभी ऐसा नहीं बोला आपके बारे में। देखिए, डाइनिंग टेबल पे खाना खाएंगे, अपना प्लेट तक उठा के नहीं रख सकते इन लोग। हमारी हमारी गलती है, ज्यादा ही सर पे बिठा लिया। क्या ही बताएं अब आपको, हमारी कहां गुप्ता जी जैसी नसीब। उनका बड़ा बेटा IIT में एडमिशन ले रहा है और छोटा वाला अभी से मेडिकल की तैयारी कर रहा है। पूरा दिन TV नहीं देखते हैं, पूरा दिन फोन नहीं चलाते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं। गुप्ता जी के बच्चों को अडॉप्ट कर लो ना। जब तुम माँ बनोगी ना बेटा, तब समझ में आएगा, जब जिम्मेदारी सर पे आएगी। जब तुम्हारे बच्चे तुमसे जबान लड़ाएंगे ना, तब 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 मम्मी की याद आएगी। मैं शादी नहीं करूंगी तो माँ कहाँ से बनूंगी।